हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपराओं में, आयुर्वेद के अंदर यदि गहराई से देखें तो आप देखेंगे कि हमारा जो संपूर्ण जीवन ही एक तरह से आयुर्वेद है, या हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद से ही यह जीवन है। तो ये जीवन और आयुर्वेद एक दूसरे के पूरक हैं। वो कैसे हैं इसको हमको समझने के लिए आप ऐसा समझो, सुबह उठने से लेकर के, सुबह जब हम उठते हैं उससे लेकर के रात्रि शयन तक जो भी हम करते हैं, हमारे शास्त्रों के अनुसार वह आयुर्वेद है। और आयुर्वेद के अनुसार नहीं करेंगे तो जीवन ठीक नहीं रह सकता है। तो जो भी जीवन के अनुकूल है वह आयुर्वेद है, जो जीवन के अनुकूल नहीं है वह आयुर्वेद नहीं है। इसलिए जीवन को जीवन के अनुकूल जीने की जो विधा, सिखाने की विद्या है, उसका नाम आयुर्वेद है। और मैं आपको और इससे आगे की बात बताऊं तो योग भी आयुर्वेद का एक अंग है ऋषियों के हिसाब से, साधना भी आयुर्वेद का एक अंग है। तो योग में हम उसको फिर योग से उसको सब कुछ को जोड़ने का हम प्रयास करते हैं। जैसे अब आहार है, आहार को हम योग से कैसे जोड़ेंगे? हम इस तरह से जोड़ते हैं कि सत्वगुणी जो आहार है, सात्विक आहार है, योगी को सात्विक आहार लेना चाहिए। पर वो सात्विक आहार क्या है वो कौन बताएगा? वो तो आयुर्वेद बताएगा, ये समझने की बात है। तो इस तरह से संपूर्ण जीवन की हर क्रिया के साथ में जो चीज जुड़ी हुई है वह आयुर्वेद है। और आयुर्वेद को हमारे ऋषियों ने मनुष्य मात्र के लिए ऐसा जोड़ दिया था, हमारे समाज में, हमारी परंपराओं में वो चीज़ पूरी जड़ से जुड़ी हुई है। जैसे पूरी धरती में, बहुत छोटी सी बात है, सब्जी में हल्दी डालने की परंपरा, वह भारतीय परंपरा से जुड़े हुए लोगों में ही वह प्रचलित है। आप विदेशों में रहते हैं, उन लोगों की परंपरा में नहीं है हल्दी डालने की परंपरा, हमारे में है। क्यों? हमारे ऋषियों को पता था कि हल्दी के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे जीवन को ठीक रख सकते हैं, हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो सकता है। तो उसको औषधि के रूप में अलग से टैबलेट और कैप्सूल नहीं बनाया गया खिलाने के लिए, उसको कहा कि आप प्रतिदिन हल्दी का सेवन करिए। और मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि एक सब्जी के अंदर, जब परिवार की लिए तीन चार लोगों के लिए सब्जी बनती है, मेरी माताओं को पता है, लगभग हमको आधी चम्मच से थोड़ी ज़्यादा हल्दी डालनी पड़ती है, भोजन मैंने पकाया है ना इसलिए मुझको पता है, तो इतनी हल्दी डालनी पड़ती है। और आज मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है कि जो करक्यूमिन नाम का जो तत्व है वह हल्दी के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी कैंसर होता है, और जिनको कैंसर हो गया है उसको भी ठीक करने के लिए बहुत कारगर होता है। तो हमारे ऋषियों को पहले से पता था कि इतनी हल्दी। और दूसरी बात मैं हिसाब लगा रहा था, हम लोग सामान्यतया जब हल्दी को कहते हैं, जैसे किसी को सर्दी जुकाम हो जाए, किसी का गला खराब हो, किसी को कफ की परेशानी हो, तो हम क्या कहते हैं? हम ऐसा ही कहते हैं ना कि भाई तू हाँ दूध में हल्दी डाल करके ले ले, या कहीं चोट लग जाए, कहीं सूजन हो, कहीं दर्द हो, तो हम इन सारी चीज़ों के लिए कहते हैं कि दूध में हल्दी डाल के लेना। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सबको पता है कि दूध में कैल्शियम होता है,
दूध में कैल्शियम होता है, कैल्शियम से वो हड्डी मजबूत होती है। और एंटीऑक्सीडेंट, ये हल्दी होने से अभी आता है, विविध तरह के बच्चों के पेय की बात होती है तो कहते हैं गेहूं के गुणों से भरपूर। अरे मैं कहता हूँ गेहूं के गुणों से भरपूर तो गेहूं खा लो ना फिर। और दूसरी बात क्या कहते हैं बोला, वो दूध का कैल्शियम व्यस्त नहीं जाता। अरे भाई दूध के कैल्शियम को इस पूरा लेना है तो हल्दी को डाल दो दूध में, उस सारे कैल्शियम भी आप शरीर में लगेगा और एंटीऑक्सीडेंट होने से बाकी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी, बाकी कुछ भी मिलाकर के दूध पीने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे ऋषियों को पता था। मैं बहुत छोटी सी बात से इसको शुरू कर रहा हूँ कि आप समझिए कि आयुर्वेद को हम कैसे समझें, क्योंकि जब बड़ी बड़ी महंगी महंगी दवाइयाँ, महंगे महंगे कैप्सूल्स और बिल्कुल चमचमाती हुए डिब्बियों में पैक होकर के आती हैं तो हमारे मन में वहम होता है कि कहीं हमारा पूरा स्वास्थ्य उन डिब्बों में ही तो नहीं छिपा हुआ है। वस्तुतः ऐसा नहीं है, क्योंकि कई लोग आते हैं कि पतला करने की दवाई दे दो जी, तो मैं कहता हूँ हालांकि हम बनाते हैं मेदो हरबटी, थोड़ा काम भी करती है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करती हो, पर मैं कहता हूँ यदि पतले होने की दवाई होती तो किसी मेडिकल स्टोर में बैठने वाला आदमी तो पतला जरूर ना मिलता, एक भी मोटा ना मिलता और कोई डॉक्टर मोटा ना मिलता, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट को लिखने से पहले अपने आप को लिख करके खाता और दवाई बेचने वाला दूसरों को देने से पहले अपने आप खा लेता, तो दो लोग तो मोटे नहीं दिखाई देते इस दुनिया में। तो ऐसा तो नहीं है, वो भी मोटे दिखाई देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मात्र औषधियाँ हमारे मोटापे का समाधान नहीं है, ऐसे ही विविध तरह की जो बीमारियां हैं उनका समाधान औषधि नहीं है। तो कितनी गहराई से हमारे ऋषियों को पता था कि हल्दी का सेवन प्रतिदिन करने से हम अपने शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ठीक रख सकते हैं, उसको बना करके रख सकते हैं। ये एक उदाहरण है। और पूरे हमारे कम से कम जो भारत की भूमि से जड़ों से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, या मैं कहूँ कि हर मेरी माँ और बहन इस बात को जानती है कि हल्दी वह लाभकारी है, यह आयुर्वेद है जो हमारे जीवन में उतर गया, परंतु आया कहाँ से था, वो ऋषियों से ही आया था। दूसरी बात है, जो हल्दी की जो मैंने बताया जो एक्टिव कंपाउंड है, हालांकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, ऑयल भी है, दूसरे तत्व भी है, मिनरल्स भी हैं, दूसरी भी चीज़ें हैं, परंतु जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस बहुत इफेक्टिव मानता है, करकुमिन जिसकी मैं बात कर रहा था, उसके अंदर लगभग 4 से 4.5% उसकी मात्रा होती है करकुमिन की। और उसका जो डोज है, आप देखेंगे कि एक आदमी को हम एक चम्मच हल्दी देते हैं, एक चम्मच हल्दी का मतलब 5 ग्राम हुआ, 5 ग्राम में यदि 4% करकुमिन मिला तो 20 mg हुआ। और मैं विचित्र बात बताना चाहता हूं कि जो एलोपैथिक के हिसाब से जो उसकी डोज दी जाती है वो लगभग 50 mg से लेकर के वह 200-250 mg तक देते हैं। इसका मतलब यह है कि हम जितनी स्वस्थ व्यक्ति के लिए जरूरत है उतनी की मात्रा का निर्धारण ऋषियों को पहले से पता था। ये एक बहुत बड़ी बात है, हमको यह समझना है। इसके अतिरिक्त अभी हम जड़ी बूटी के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, एक दिन और हम बात करेंगे इस विषय में। भारतवर्ष के अंदर या पूरी वैश्विक स्थिति पर यदि मैं बात करूं, दुनिया में जितने भी तरह की चिकित्सा पद्धतियां हैं उन चिकित्सा पद्धतियों में कई सारे द्रव्य ऐसे हैं जिनको समान रूप से सारी दुनिया प्रयोग करती है। उनमें से एक द्रव्य है अदरक, जिंजर जो है, सौंठ जिसको, ड्राई जिंजर जो सूखने के बाद होती है, वह पूरी दुनिया प्रयोग करती है। पर मैं आपको बता दूं कि अदरक के संदर्भ में भारत के शास्त्रों में और जितने ग्रंथों में लिखा हुआ दुनिया में कहीं नहीं लिखा है। तो हमारे हम सबको पता है, छोटे से छोटे बच्चे को पता है कि सर्दी जुकाम हो तो अदरक कूट करके उसका रस निकाल करके और थोड़ा शहद मिला करके ले लो तो सर्दी जुकाम ठीक होता है, एक सामान्य प्रयोग है। पर सबको पता है कि आयुर्वेद है और बहुत इफेक्टिव है।
जो एलोपैथिक जो टॉप लेवल की जो एंटीबायोटिक्स हैं यदि वो काम ना करे तो आप क्या करना, अदरक को कूट करके लगभग 5 ग्राम अदरक को कूटेंगे तो लगभग लगभग आपको 2 ग्राम लगभग आपको रस मिलेगा, और उतना सा लेकर के उसमें शहद मिला करके और आप चाट लीजिए दिन में 2-3 बार, आप देखिए कैसी भी खांसी और कफ की शिकायत है वो आपका ठीक हो जाएगा। भारतवर्ष में सबको पता है, और कुछ नहीं तो किसी को कफ हो रहा तो कहेंगे अदरक वाली चाय पी लो, उस चाय में भी डाल करके, और मैंने देखा कि ये अदरक वाली चाय की परंपरा और ये मसाले वाली चाय की परंपरा भारतवर्ष में ज़्यादा प्रचलन में है, बाहर विदेशों में नहीं है, वो चाय को चाय की तरह ही पीते हैं, यहाँ तो चाय में भी अदरक डाल दिया जाता है, उससे उसकी गुण की वृद्धि होती है। तो कितनी सामान्य सी बात है, और आप विचार करिए कि ऋषियों ने कितना गहन चिंतन किया होगा। मैं बहुत छोटी छोटी बातों से कहें बता देना चाहता हूँ, अदरक को वह जोड़ों के दर्द के लिए भी काम करता है। हम हल्दी मेथी सौंठ 3 चीज़ का पाउडर हम बहुत बताते हैं, श्रद्धेय स्वामी जी भी बहुत बताते हैं, आप पाउडर कर करके तीनों चीज़ को आप 1 चम्मच सुबह शाम ले लीजिए पानी या दूध से। हल्दी मेथी और सौंठ सामान्य सी चीज़ हैं, दुनिया में हर देश में हर जगह पर ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपको जिनको अर्थराइटिस की शिकायत हो, जिनको कफ की शिकायत हो, थायराइड होने की संभावना हो या थायराइड की प्रारंभिक स्थिति हो, जिनको एक्सेस फैट हो, मोटापे के लिए भी ये काम करती है चीज़, इवन जिसको पेट में कॉन्स्टिपेशन और गैस बनती हो उसमें भी ये चीज़ काम करती है। तो एक द्रव्य आयुर्वेद की एक विशेषता है, ये खासियत है कि हम एक द्रव्यों से बहुत तरह के जो रोग हैं हम उनको ठीक कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और उसका कोई नुकसान भी नहीं है। कई बार लोग कह देते हैं कि आयुर्वेद से कई बार नुकसान होता है, मैं इतनी सी बात बताना चाहता हूँ, नुकसान के संदर्भ में आप इतना ही समझ लीजिए, जब से हमने भोजन लेना शुरू किया है तो भारत की परंपरा में जुड़े हुए या दुनिया के लोग, जैसे हम रोटी खाते हैं या हम चावल खाते हैं राइस खाते हैं, तो आप समझिए कि हम हर रोज़ खाते हैं, बचपन में भी खाते थे और जवानी में भी खाते हैं, और जब तक यह प्राण है तब तक सेवन करते रहते हैं। परंतु वही चावल और वही रोटी कच्ची हो अधपका हो तो एक ही दिन में पेट दर्द भी होना शुरू हो जाता है, यानी जिसको खा करके पूरा जीवन हमको मिल रहा होता है उसको खाने से हम कभी कभी परेशान भी हो सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ है कि आयुर्वेद को यदि उचित मात्रा में ठीक से लिया जाए तो कभी कोई नुकसान नहीं होता है, नुकसान भी होगा तो वह पूरा हमारे सिस्टम को डैमेज नहीं करेगा, तत्काल कुछ थोड़ा सा उसका नुकसान का, जैसे कभी कोई दवाई ले ली दस्त वाली ज़्यादा खा ली तो थोड़े ज़्यादा दस्त लग गए, दस्त रोकने के लिए थोड़ी ज़्यादा खा ली तो थोड़ा कब्ज हो गया, इस तरह के आंशिक दुष्प्रभाव हो सकता है, परंतु बाकी कोई दुष्प्रभाव आयुर्वेदिक औषधियों में कुछ द्रव्यों को छोड़ करके, कुछ विषैली वनौषधियाँ होती हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं उनको छोड़ करके सामान्य जीवन में जो औषधियाँ प्रयुक्त होती हैं उनका कोई भी नुकसान या नुकसानदायक प्रभाव नहीं होता है, हमको एक तो ये जानना चाहिए। तो मैं अदरक की बात सुना रहा था आपको, तो एक अदरक एक हल्दी हम बहुत सारे रोगों को उससे ही ठीक कर सकते हैं, तो कितना सरल और सुगम है। अच्छा ठीक, हमको हमारी एक मानसिकता और बन गई है, कभी कभी हम इतने जैसे डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, पराश्रित हो जाते हैं, ठीक है हमारी एक भयानक क्रिटिकल स्थिति हो गई तो हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो अच्छे लोग हैं उनसे परामर्श लेनी चाहिए, समय रहते ही उचित चिकित्सा करा लेनी चाहिए, ये जरूरी है, परंतु हम उस स्थिति में ही क्यों पहुंचे? यदि हम थोड़ा सा प्रयास करें हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के द्वारा ही संभव है। दूसरी पैथियों में बीमार होने के बाद में चिकित्सा की प्रक्रिया दूसरी पद्धतियों में हो सकता है, परंतु आयुर्वेद कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य रोग प्रशमनम च, कि जो बीमार हो गया है उसको ठीक करना और जो बीमार नहीं हुआ है उसको बीमार नहीं होने देना, ये 2 काम आयुर्वेद करता है। तो दूसरे लोग कहते हैं कि तुम बीमार हो जाओ तो मेरे पास आओ,
हम कहते हैं कि श्रद्धे स्वामी जी कहते हैं कि बीमार ही मत पड़ो, ऐसा उपाय करो। तो ये बेसिक फर्क यह है। तो हमको भरपूर, और मैं तो इससे आगे की बात कहता हूँ, देखो यदि हम बीमार होने के बाद में हमको दौड़ लगानी हमारी मजबूरी है, परंतु बीमार होने के बाद में हम जितने अपने आप को बेचैन और परेशान करते हैं उसका 10% भी यदि हम पहले ही लगा लेते तो हम 99% रोगों से बच सकते हैं। 99 मत मानो तो 90 तो मान ही लो। दुनिया के रिसर्चेज ये कहते हैं कि यदि लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाए तो कैंसर जैसी बीमारियों से भी 80% बचाव किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। क्या हम 80% जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं, क्योंकि कैंसर और एड्स, विशेष करके कैंसर बीमारी को ही अभी दुनिया के जो भयानक, हालांकि कई तरह के वायरल डिजीज होते रहते हैं, अभी जैसे कोई भी स्वाइन फ्लू हो गया हिंदुस्तान में तो उसी को इतना भयानक कर करके दिखाया जाता है, या दूसरी बीमारियां हो गई, पर यदि देखा जाए तो अभी हृदय रोग, मधुमेह, डायबिटीज, इन सबको यदि उससे भी ज़्यादा देखें तो जो भयानक रूप से इस जो स्थिति है वो कैंसर की है। कैंसर के लिए हम मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है, वो मैं नहीं कहता हूँ, वो लोग कहते हैं कि 80% हम लाइफ स्टाइल को ठीक कर करके बच सकते हैं कैंसर से। तो आप समझिए कि कितना बड़ा लाभ और देश का, समाज का हो सकता है। तो लाइफ स्टाइल क्या है? तो लाइफ स्टाइल वही है जो योग और आयुर्वेद के द्वारा श्रद्धेय स्वामी जी बताते हैं, जो योग और आयुर्वेद के शास्त्रों के अंदर जो निर्दिष्ट है वही लाइफ स्टाइल है, वो सही जीवन पद्धति है। यदि उसको अपना लेते हैं तो हम ऐसी भयानक बीमारियों से भी बचाव कर सकते हैं। अदरक खाने मात्र से हम कफ से लेकर सर्दी से लेकर के कई बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं। और मैं आपको कहूँ, भोजन से पहले उन अदरक के टुकड़ों को चबा करके खाएंगे, थोड़ी तीखी लगे तो रोटी के एक दो टुकड़े ले लेना साथ में, उसको खा लेना, तो इससे भूख की वृद्धि होती है। यानी खाना खाने से पहले खाया हुआ अदरक भूख को बढ़ाता है। तो पहले अदरक लेने से भूख की वृद्धि होती है। भोजन के बीच में अदरक खा लें तो वायु नहीं बनती है, भोजन पचने में उससे सहयोग मिलता है। और यदि भोजन के बाद में अदरक खा लें तो खाया हुआ पच जाता है, जो हमने भोजन खाया वो हजम हो जाता है। कितनी बढ़िया चीज है। और आप कल्पना करिए कि कितना गहरा अनुसंधान है हमारे ऋषियों का। एक अदरक, और आप प्रयोग करके देखो, मैं सच बता रहा हूं, आप देखेंगे आपको बहुत फर्क मिलेगा। भोजन के साथ खा करके देखो अदरक को। हमारे ऋषियों ने तो पानी तक के गुणों को लिखा था। आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में वो हम कहते हैं कि पानी के अंदर इतने मिनरल्स होने चाहिए, पानी के अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पानी के अंदर ये नहीं होना चाहिए, वो उसके अंदर एक्टिव कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। हमारे ऋषियों ने तो सामान्य रूप से जो पानी है उसके गुणों को भी बताया था। और इसका प्रयोग करके आप देख सकते हैं, सुबह उठ करके आप गर्म पानी पियेंगे, यदि तेज गर्म पानी पियेंगे तो आपके शरीर का जो कफ है उसका समन हो जाएगा। आप जो गर्म पानी को चाय की तरह पी लो सुबह उठ करके, आप देखेंगे जितना भी कफ है, रेशा है, बलगम है, वह खत्म हो जाएगा। और थोड़ा सा कम गर्म, यानी चाय के से भी थोड़ा कम पीने लायक पियेंगे, एक तो होगा तेज गर्म, एक होगा मध्यम गर्म, तो फिर मोटापा भी कम हो जाएगा। यानी वायु और कफ का समन, जो तेज गर्म है वो कफ का समन करेगा, थोड़ा सा कम गर्म है उससे तेज से थोड़ा सा कम का वो आपके वायु का समन करेगा। यानी कि हमको कफ समन करना है तो गर्म पानी पीना है, मोटापा दूर करना है तो हमको गर्म पानी पीना है। तो गर्म पानी पीने से अर्थराइटिस भी ठीक होता है, गर्म पानी पीने से पेट भी साफ होता है, ये सारे लक्षण आयुर्वेद में लिखे हुए हैं। तो ये तेज गर्म और गुनगुना गर्म हो गया। तीसरा, ठंडा पानी पीने से कफ बढ़ता है और एसिड कम होता है। जिनको बहुत एसिडिटी बनती हो, पित्त की समस्या हो, उनको ठंडा पानी पीना चाहिए। तो एक ही पानी है,
उसमें कुछ मिलाया नहीं गया है, कुछ उसमें से निकाला नहीं गया है, सिर्फ गर्म पीने से, कम गर्म पीने से, ठंडा पीने से वह शरीर में अलग अलग प्रभाव करता है। तो इतना गहरा है अनुसंधान, और करके देखो। फिर आप कहेंगे जी तीनों बीमारी एक को इकट्ठी हो तो क्या करें, तो उनके लिए ऐसा करो कि सुबह तो गर्म पी लो, फिर भी मध्याह्न को नॉर्मल पानी पी लो। तो सुबह गर्म पानी पीने से, क्योंकि सुबह फिर भी कफ की संभावना रहती है थोड़ी बहुत, तो उससे आजकल फिर उसको थोड़ा सा और अनुसंधान किया तो शहद जो है, जो हनी है, शहद है, उसको आयुर्वेद के अंदर, सिर्फ आयुर्वेद में लिखा हुआ है, हालांकि अब मॉडर्न लोग सब कहते हैं कि वह बहुत सारे शारीरिक गुणों के लिए, तत्व के लिए लाभकारी है। क्या क्या उसमें अंदर तत्व होते हैं वो सब आप लोगों को पता है, पर उसमें जो बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, ऋषियों ने कहा था कि जो शहद होता है वह गुणवाही होता है। गुणवाही का अर्थ है कि जिस चीज़ में मिला दो वो वैसा बन जाता है। जैसे मैंने कहा कि गर्म पानी जो है वह कफ का और वायु का समन करता है, तो गर्म पानी में यदि आप वो शहद को सीधा गर्म करने के लिए निषेध किया गया आयुर्वेद में, ये ध्यान रखना। सीधे का मतलब जैसे डिब्बा है तो डिब्बे को कोई आप आंच के ऊपर ना रखें, कभी शहद जम जाए तो आप क्या करें, एक बर्तन में पानी को उबाल लीजिए या पानी के साथ में उस डिब्बे को डाल दीजिए, धीरे धीरे वो पानी से वो शहद पिघले, वो अच्छा होता है। शहद को सीधा सीधा सा बर्तन को गर्म नहीं करना चाहिए, एक तो ये बात। दूसरी बात, शहद को कोई गर्म पकाना भी नहीं चाहिए, कि कोई चीज़ पका रहे हो तो शहद को भी पका दें, वह भी उचित नहीं माना जाता है आयुर्वेद की दृष्टि से। उसके अंदर क्योंकि कुछ विकृतियां आती हैं, बीमारी होने की संभावना रहती है। तीसरी चीज़, शहद को बहुत तेज़ गर्म में भी नहीं, गर्म इतना गर्म हो कि जो आप पी सकते हो उतने गर्म चीज़ के अंदर शहद को आप डाल सकते हैं। तो वो डाल करके पियेंगे तो सुबह आप शहद पियोगे गर्म पानी से, तो फिर मोटापा और कफ कम करता है ना गर्म पानी, तो उसको कम करने की क्षमता को और बढ़ाएगा। यानी गर्म पानी पीने से जितना मोटापा कम होगा, थोड़ा शहद डाल करके पीने से और ज़्यादा कम होगा। और ठंडा पानी हमारे एसिड को कम करता है, पित्त को कम करता है, तो ठंडे पानी में शहद मिला करके पी लेंगे तो वह और भी ज़्यादा पित्त को कम करेगा। तो इसलिए शहद को गुणवाही आयुर्वेद में कहा। तो कितना गहरा अनुसंधान था, इसलिए आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियों में हम कहते हैं शहद मिला के चाट लेना। तो लोग कहते हैं जी ये शहद मिला के क्यों चाटें, वो इसलिए चाटें क्योंकि उसके जो गुण है औषधि का, उस औषधीय गुणों को शहद बढ़ाता है। यह ऋषियों का एक गहरा अनुसंधान था, छोटी छोटी चीज़ों में, दैनंदिन के प्रयोग में। हमको सबको पता है कि काली मिर्च जो है वह गले को ठीक करती है, किसी को बुखार हो जाए तो सारी दुनिया कहती है कि हम काली मिर्च और लौंग इसको उबाल करके आप पी लीजिए काढ़ा। तो ये परंपराएं क्या है, ये सब आयुर्वेद की परंपराएं हैं। हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस तरह की आयुर्वेद की परंपरा है उस तरह की इस दुनिया के अंदर लगभग 65 तरह की चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। भारतवर्ष के अंदर भी 3-4 पद्धतियां हैं, जैसे यूनानी है, जैसे सिद्धा है, और इसके अतिरिक्त जो है तिब्बतीन सिस्टम भी थोड़ा बहुत भारत में भी चलता है, परंपरागत चिकित्सा करते हैं ऐसे लोग भी हैं, और इसी तरह से विदेशों में भी ग्रीक, जर्मन और आपका अलग अलग सिस्टम की अलग अलग पद्धतियाँ हैं, जहाँ जड़ी बूटियों से चिकित्सा की जाती है। उन सारी पद्धतियों में जितनी गहराई से, जितनी गंभीरता के साथ में उन औषधीय गुणों का वर्णन आयुर्वेद में है, वह अन्यत्र नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण अभी हम दुनिया को देने वाले हैं, वह वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के रूप में। हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, विगत 6 साल से हम लगे हुए हैं, और 6 सालों से हमने ये पाया, उसमें काम करते 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 हमको यह पहले पता नहीं था, हमको भी यह नहीं पता था कि कितनी औषधि पौधे हैं जो दुनिया के लिए प्रयोग की जा सकती हैं जड़ी बूटी के रूप में, या कितनी चिकित्सा पद्धतियां दुनिया में हैं जो जड़ी बूटी के आधार पर चिकित्सा की जाती है। तो अब काम कर रहे हैं तो हमको बहुत कुछ पता चल रहा है।
पर उसमें से उसके विषय में भी हम बात करेंगे। उसमें से जो बड़ी बात मैं बताना चाह रहा था कि जिस गहराई से आयुर्वेद के अंदर जड़ी बूटियों के गुणों का वर्णन है, जिस गहराई से ऋषियों ने पूरे पेड़ पौधों को हमारे जीवन के साथ जोड़ दिया है, वो अन्यत्र किसी भी पद्धति में उपलब्ध नहीं है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम उस परंपरा से जुड़े हुए हैं। इस बात के लिए हमको गर्व होना चाहिए और हमको खुशी होनी चाहिए, और खुशी होने का अर्थ ही है कि हमको उसको जीवन में अपना लेना चाहिए। मसालों की बात, हमारे यहाँ जो भोजन में मसालों का प्रयोग है वो हमेशा एक तरह से औषधि के रूप में ही मसालों के प्रयोग का वर्णन था। अलग तरह के मसाले, अभी जैसे स्वाइन फ्लू बहुत फैला, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्वाइन फ्लू के लिए, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न सिस्टम के तहत हम लोगों ने सेल लाइन ट्रायल किए और कुछ हमने किया, जो डॉकिंग सर्वर होता है, डॉकिंग सिस्टम होती है, उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उसका जो प्रोटीन कोड होता है, उस कोड के अकॉर्डिंगली जितने भी जो औषधीय पौधे होते हैं उनका एक एक्टिव कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड के साथ उस प्रोटीन कोड को डॉक करने पर पता चलता है कि कौन सा कंपाउंड किस पर कितना इफेक्टिव है। हम लोगों ने स्वाइन फ्लू के लिए वह काम किया। स्वाइन फ्लू के ऊपर करने के बाद में मैंने पाया, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, हमने देखा कि दालचीनी जो है वो 100% स्वाइन फ्लू के लिए कारगर है। हमने देखा गिलोय जो गुड़ूची जिसको बोलते हैं वह करीबन 80% कारगर है। हमने पाया तुलसी लगभग 70-80% कारगर है। हमने पाया नीम 70-80% कारगर है। हमने पाया कि लौंग 100% कारगर है। तो ये एक अद्भुत हमारे लिए एक अनुभव था। फिर हमने उसी प्रयोग को पूरी दुनिया को बताया और देश के लाखों लोगों ने सेवन किया कि जो है नीम की छाल 100 ग्राम, दालचीनी 100 ग्राम और उसमें तुलसी 50 ग्राम, गिलोय 100 ग्राम, दालचीनी और तुलसी 50-50 ग्राम और लौंग 25 ग्राम, ये 5 चीज़ों को मिला करके हमने काढ़ा बना करके पीने के लिए सब लोगों को कहा, वो बहुत कारगर है। हमने देखा आयुर्वेद में जैसे हम जो गिलोय जिसको बोलते हैं उसको अमृता भी कहा जाता है। गिलोय का जो प्रयोग है सबसे ज़्यादा आयुर्वेद की पद्धति में होता है, दूसरी पद्धतियों में इतना नहीं होता है। हालांकि चाइनीज पद्धति वगैरह में भी उसका प्रयोग होता है, परंतु गिलोय की जो खासियत है, यदि एक टुकड़े को भी यदि आप पेड़ में भी टांग दोगे ना, वो उसमें से अपने आप वो लंबी लंबी जो है ना उसकी वो निकल आएंगी, उसमें जड़ से निकलनी शुरू हो जाएगी, वो धीरे 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 धरती की तलाश करते हुए धरती की तरफ जाएंगी, वो मरती नहीं है, वो अमृता है। हम लोगों ने पीछे जब इबोला फैला हम लोगों ने देखा उसके ऊपर प्रयोग करके, दूसरी चीज रोगों के ऊपर भी हमने देखा, डॉकिंग सिस्टम से हमने देखा कि जितने तरह के जो वायरल और जितने भी तरह के बैक्टीरियल डिजीज हैं सभी रोगों में गिलोय है, वह किसी भी रोग के उसको जो वायरस को फैलने से, ब्लड में फैलने से वो रोकने का काम करता, उसके लिए सर्वोत्तम गिलोय है। इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ भी बीमारी हो और कुछ ना मिले, जैसे आप बाहर से आए हैं, ताजी मिले तो ताजी कूट करके खा लो, नहीं मिले तो गिलोय घन बटी, उसके अंदर गिलोय के जो उसको कूट करके उसको एक्सट्रैक्ट कर करके उसकी टैबलेट बनाई हुई है, प्योर गिलोय है, उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है, गिलोय घन बटी छोटे बच्चों से लेकर के सभी लोग उसका सेवन कर सकते हैं। छोटे बच्चा है तो एक एक दे दो, बड़े हो तो दो दो खा लो, नहीं तो एक बार सुबह 2 गोली खा करके निकल लो। भगवान करें कि हो सकता है विविध तरह के जो बाहर के जो प्रदूषण से और बैक्टीरिया और वायरल से जो होने वाली बीमारियां हैं, शायद आपको कुछ भी बीमारी नहीं होगी। तो इतनी अद्भुत है, इसीलिए हमारे ऋषियों ने उसको अमृता कहा।